विश्व विख्यात संत कबीर नगर को आखिर कौन नहीं जानता। विश्व के कई देशों में कबीर के अनुयायियों की गिनती भरमार है। संत कबीर ने व्याप्त कुरीति को खत्म करने के लिए बनारस छोड़कर मगहर में समाधि ली और आज संत कबीर के समाधि स्थल के पुजारी शांतिदास पर साध्वी ने बड़ा आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी काटा और आरोपी संत की जबान बंद रही। कबीर की धरती कहे जाने वाले संत कबीर नगर जिले से प्रेम सौहार्द का पैगाम पूरी दुनिया में जाता है, तो आज वहीं कबीर मठ एक विवादों में घिर गया है। कबीर मठ की एक महिला संत ने मठ में रह रहे एक संत पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा है। कबीर मठ में महिला संत 15 साल से संत कबीर की समाधि स्थल के एक संत के साथ पति पत्नी की तरह रहते थे। जब धीरे धीरे महिला बूढ़ी होने लगी तो आरोप संत उससे रिश्ता तोड़ देना चाहता था। महिला संत का आरोप है कि कबीर मठ पर पुरुष संतों की सेवा करने के लिए महिला संतों को बुलाया जाता है, उनके साथ यौन शोषण जैसा अपराध किया जाता है। महिला संत के इस आरोप के बाद कबीर मठ में भूचाल सा आ गया। पुजारी पर यौन शोषण के आरोपों के बाद मठ की साख पर धब्बा लगाने से बचाने के लिए मठ प्रमुख ने हालांकि तत्काल प्रभाव से आरोपी को मठ से तो निकाल दिया। ये आरोप नया नहीं है। 2022 में वाराणसी के चेतगंज थाने में कबीर मठ के महंत विवेक दास सहित 9 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और धोखाधड़ी कई अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। ना पहले आप ये पूछिए वो कितने दिन से मुझको जानती है, पहले उनसे ये स्पष्ट कीजिए। 20 साल से उनसे पूछिए, 20 साल से जानती है। बयान की पूरा बताई है, ये महिला मगहर से कटने जा रही थी कि आपने भगा दिया शादी आपने, कुछ मामला है क्या करी थी? मैंने किसी से कोई शादी नहीं की। यहाँ सभी प्रकार के भक्त लोग आते हैं, नंबर ले जाते हैं, बातचीत होता है, भावबंदगी होता है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ये महिला कहाँ से? मुझे नहीं पता कहाँ की रहने वाली। आप बताएंगे ऐसे बहुत सारे भगत लोग आते हैं। फिलहाल महिला ये आप पता नहीं कहाँ रहने वाली? बिहार की बताती हैं ये। तो बलिया बता रहे हैं? बलिया का हमको नहीं पता, इन्होंने हमको बिहार बताया था जब आई थी। तो जो आपके आरोप लग रहे हैं इस पर आप साफ लहजे में बताइए कि आपका क्या कहना? हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है कुछ लोगों की साजिश से जो हमको फंसा रहे हैं। हमने ज्ञानती साहब नाम है, ज्ञानती। कहाँ रहने वाली? बलिया के। बलिया कहाँ का? बलिया किशनपाली दरौली थाना सिवान बिहार जिला। क्या दिक्कत परेशानी आपको हो? यहाँ परेशानी है जो वो शांति साहब के साथ हमने रहता हूँ, हमारा पति है, 20-25 वर्ष से मैं रहता हूँ, यहाँ पर आते जाते रहे। किसके पास आप आए? शांति के साथ। हाँ। शांति पूजा करते हैं ना उसके साथ ना, अभी बार बार हमको भगाते हैं, लोग रखने नहीं देते। कहाँ पर आए, किसके पास आई थी? शांति के पास, शांति पुजारी है ना उसके पास, पुजारी साहब है ना, तो ये लोग सब वो नहीं बोलते हैं, वो सब भगाते हैं हमको है ना, रहने नहीं देते हैं, बोलते हैं ये 30 आदमी हम लोग है या महिला नहीं रहे है ना। हम भी जुड़े हैं मनरेगा से, हम मनरेगा से जुड़े हैं, पुलिस भैया से जुड़े हैं और ड्राइवर से जुड़ी है, गाड़ी बस से जुड़ी है, तब ना महान। वही आरोपी पुजारी सीधे तौर पर महिला के आरोपों से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि मठ में रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, सबसे भावबंदी होती रहती है, लेकिन जब महिला ने पुजारी के फोन पर बात करने का आरोप लगाया तो वो इसे सीधे तौर पर इनकार नहीं कर सका। महिला संत का आरोप है कि आरोपी संत के संबंधों से वो गर्भवती भी हो गई थी, पर आरोपी संत ने जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया था। संत के प्रेम के लिए वो ना चाहते हुए भी ऐसा करने को तैयार हो गई। महिला का कहना है कि जब उसका गर्भपात हुआ वो काफी परेशान रही, लेकिन एक बार भी आरोपी संत ने उसका हालचाल नहीं लिया। आरोपी संत अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जल्द ही कुछ कदम उठाने को लेकर पीड़िता ने गुहार भी लगाई है।
जब इस पूरे प्रकरण पर संत ये कबीर परिनिर्वाण स्थली के महंत विचारदास से पूरी बात करने की कोशिश की, तो पहले तो वो मीडिया के सामने बयान देने को तैयार हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने बातों से मुकर गए। उन्होंने कहा कि इस ये प्रकरण जो है पति पत्नी का है, लेकिन इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी इस प्रकरण के बाद हमने जो उन लोगों को मठ से निकाल दिया है, पति पत्नी का मसला है और उसे खुल सलटाकर यहाँ पर पहुँचे। लेकिन उनके इस तरह के जवाब से कहीं ना कहीं सच्चाई झलकती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आरोपों की झड़ी के बाद वो महिला यहाँ से गायब है और वो पुरुष भी यहाँ से गायब है। अब देखने वाली बात होती है कि महिला के ने जो आरोप लगाए थे उसमें कहाँ तक सच्चाई है।